Hey guys, I'll be hosting a special giveaway once we reach 10k subscribers, and I hope you will help me to achieve that milestone very soon. So to participate in that giveaway, follow all the steps mentioned in my description. So there are mainly two opportunities if you crack GATE with a very good rank and very good score. The first one is you can do your MTech or MS from the top colleges in India like IIT or IISc. Or the second thing is you can directly join in your job in any of the PSUs that are recruiting through GATE score. So which is better for you? कौन सी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा. There will be some several consideration जो आपको consider करना है and on which basis you have to decide whether you have to join MTech or MS or you have to join PSU. Okay, before that, a disclaimer of this video is that this video is going to be biased towards computer science because I was a computer science student and I know a lot about computer science background. कि आपको क्या चूज करना है, MTech चूज करना है या फिर PSU चूज करना है as a computer science student. अच्छा, तो पहले एक बात कर लेते हैं कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो एंड आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत है या फिर कोई छोटा छोटा जो सब्जेक्ट होता है, एक एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयार करना है, तो इसके लिए आप बहुत छोटा छोटा कोर्स खरीद सकते हो फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स. एंड कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमल है, मतलब आपको कई सारे थाउजेंड्स खर्चे करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू गेट ऑल द स्कोर्स विद फ्यू हंड्रेड ऑफ बक्स, मतलब 100, 200, 300 या फिर 500 में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिल सकते हैं फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स. आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो एंड इफ यू यूज माई कोड मनीष10 यू कैन गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. ओके, टॉकिंग अबाउट MTech एंड PSU, कौन सी चीज़ आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी अगर इसी टाइम पे जरूरत है कि आपको कोई जॉब ज्वाइन करना है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है या फिर आपको खुद को सपोर्ट करना है, आपके शायद लोन हो सकते हैं, आपके एजुकेशन लोन हो सकते हैं आपके बैचलर्स में, तो आपको अगर उसी के लिए सपोर्ट की जरूरत है तो आप PSU ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि PSU में आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू MTech और MS. यहाँ पे आपको डायरेक्टली जॉब तो नहीं मिलेगा, आपको 2 साल यहाँ पे MTech करना होगा या फिर 2 से 3 साल के बीच में आपको MS करना होगा, उसके बाद आपको अच्छी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे जॉब मिल सकता है इफ यू आर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस. बट PSU आपको डायरेक्टली गेट क्लियर करने के बाद डायरेक्टली आपको जॉब मिल सकते हैं PSU में, तो ये काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फॉर ऑल दोज हु नीड मनी इमीडिएटली. तो इसके बाद अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें, सो इफ यू आर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है एंड सबसे बेहतर होता है आपकी MTech और MS के, एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे आप काम करोगे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की चांसेस है एज कम्पेयर टू PSU. PSU पे आपको लिमिटेड ग्रोथ होने की चांसेस है कि जैसे कि मान लो अगर आप आज कोई कंपनी पे ज्वाइन कर रहे हो, आज कोई MNC में ज्वाइन कर रहे हो, उसका 1 साल 2 साल बाद आप जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ग्रोथ आपको PSU में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि PSU का काम आपकी कंप्यूटर साइंस जो बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड है ही नहीं. PSU का काम कोई अलग से बैकग्राउंड के रिलेटेड है एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है लाइक टॉप MNCs लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इनकी जो खुद के प्रोडक्ट है वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है. तो इससे आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हो, इससे आप काफ़ी चीज़ डेवलप कर सकते हो, आपको खुद की एज ए टेक्निकल पर्सन आप खुद को डेवलप कर सकते हो जो PSU में आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. तो इसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजी, तो वो काफ़ी अच्छे मिलेगा आपको टॉप MNC में, जो PSU में आपको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्टैक जो टॉप MNC होता है उनकी बहुत अच्छी होता है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट करेंट टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होता है वो टॉप MNC में यूज़ होता है, बल्कि जो ओल्ड एज टेक्नोलॉजी होता है थोड़ा बहुत न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है PSU में. बट जनरली स्पीकिंग टेक्नोलॉजिकली आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको अगर बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आप MNC में ज्वाइन कर सकते हो. आप MTech MS करो कोई अच्छी IIT या फिर IISc से, उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर कोई अच्छी MNC में ज्वाइन करो, आपकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाला है एंड टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ होता है आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो. PSU में उतना ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा एंड टेक्नोलॉजिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज PSU अभी भी बहुत पीछे है इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस. और एक ऑप्शन होता है जो अगर आप MNC में काम करोगे MTech या फिर MS करने के बाद, तो ये है कि आप आपकी जॉब स्विच कर सकते हो. आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में हो तो आप अमेजन पे जा सकते हो, आप अगर अमेजन में हो तो आप गूगल में जा सकते हो, आप फेसबुक में जा सकते हो, आप फ्लिपकार्ट में आ सकते हो, आप गोल्डमैन में ज्वाइन कर सकते हो. तो आप ऐसे स्विच करके आपकी पोजीशन को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, आपकी सैलरी को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो. विच इज़ एज अपोज टू आपको PSU में कोई ऐसे स्विच देखने को नहीं मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ सिंगल PSU,
तो स्विचिंग टू सम अदर पी एस यू विल नॉट बी एज फिजिबल एंड उसके लिए आपको सेपरेट एग्ज़ाम देना होगा. उनकी जो एग्ज़ाम होते हैं हर साल एक फिक्स टाइमिंग में एग्ज़ाम होता है, उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन होने वाला है. बल्कि जो एमएनसी होता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक अप्लाई कर दो कोई कंपनी पे, आपके रेज्यूमे देके एंड दे विल कंडक्ट एन इंटरव्यू. आफ्टर 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू यू विल गेट इजीली सिलेक्टेड. एंड इफ यू टॉक अबाउट सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आपको सैलरी ग्रोथ यहाँ पे जो एमएनसी होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होता है, इसमें बहुत अच्छी मिल सकते हैं. मतलब अगर आप कोई आईआईटी या फिर आईएससी से एमटेक करोगे या फिर एमएस करोगे तो आपको एज ए जॉइनिंग, मतलब आप स्टार्टिंग से ही मोर देन 1 लाख पर मंथ इजिली अर्न कर सकते हो. मतलब अभी तो मैं ये 2020 या फिर 2021 की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आप अगर 1 से 2 साल बाद ज्वाइन करोगे तो आप मतलब 1.2 1.3 लाख पर मंथ उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1 से या फिर डेटा साइंस 1 से आप अर्न कर सकते हो, जो कि पी एस यू में पॉसिबल ही नहीं. पी एस यू का सी टी सी भी बहुत कम होता है, आपको हाथ में जो इनहैंड सैलरी होता है वो भी काफ़ी कम होता है. एंड इन यहाँ का जो ग्रोथ है एमएनसी का, इससे आप 1 साल 2 साल बाद अगर आप जो SD2 बन जाओगे, डेटा साइंटिस्ट 2 बन जाओगे, उसके बाद कोई मैनेजरियल पोजिशन पर जाओगे, तो आप इजिली मोर देन 2 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो, जो कि पी एस यू में बहुत ही मुश्किल होता है. लेकिन वहाँ पे अगर आप बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो पी एस यू में बहुत अच्छे बेनिफिट्स होता है. आपको एक फुल फ्लेज्ड कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, आपको एक अच्छी फर्निश्ड वेल फर्निश्ड रूम मिलेगा, वेल फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा जो 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगा वहाँ पे, मेडिकल बेनिफिट्स होगा, आपकी इंश्योरेंस मिलेगा, आपकी बहुत अच्छे अलग अलग टर्म्स होता है, आपको बहुत अच्छी बेनिफिट्स होता है, आप चाहे ये खरीद सकते हो वो खरीद सकते हो, ये अच्छी बेनिफिट्स आपको पी एस यू प्रोवाइड करेंगे. बट एमएनसी भी यहाँ पे कम नहीं है. एमएनसी आपको एज ए मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. काम आपको बहुत सारा करना होगा एमएनसी में एज कम्पेयर टू पी एस यू. इफ आई टॉक अबाउट द वर्क कल्चर, पी एस यू में थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, एमएनसी में बहुत ज़्यादा काम करना होता है. कई बार ऐसे होता है कि डेडलाइन के टाइम आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है. 9 to 5 तो एक मतलब इल्यूशन होता है एमएनसी में, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है. बट पी एस यू में थोड़ा बहुत काम रिलैक्स्ड होता है. एंड एक चीज़ होता है और कि पी एस यू का जो लोकेशन होता है वो जो मैक्सिमम केस में रिमोट लोकेशन पे होता है. मतलब आप कोई इंडिया की एकदम जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पे पी एस यू का प्लांट होता है, क्योंकि पी एस यू का प्लांट इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्लांट. तो आप सिटी के अंदर कोई जगह पे प्लांट तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको रिमोट जगह पे जाना पड़ेगा. तो अगर किसी को इस टाइप की जगह पसंद है कि आप रिमोट लोकेशन पे जाके कोई काम करना पसंद करते हो, आप सिटी की जो हसल बसल है इसमें आप नहीं रह के कोई अलग जगह पे जाना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली पीएसयू चूज़ कर सकते हो. पर बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसे होता है कि हम सिटी में रहेंगे, जो काम करेंगे हम कोई सिटी में रह के करेंगे, क्योंकि सिटी में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है. आप चाहे कोई बेंगलोर की बात करो, हैदराबाद, गुड़गांव, मुंबई, ऐसे जैसे बड़े बड़े जो सिटी होता है इंडिया की, इसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छा होता है, इसमें आपके रूम अच्छे मिलेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है. तो इस पे बहुत लोगों को इसको चूज़ करना होता है, तो उसके लिए एमएनसी बहुत अच्छी बेटर है. बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है वो बड़े बड़े सिटी में है, तो इसके लिए ये बेटर है. एंड ऑल्सो वन वेरी बिग एडवांटेज जो एमएनसी का होता है कि आप शायद आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप चाहते हो हम यूएस जाएंगे, यूएस में कोई कंपनी पे काम करेंगे, या फिर इसी कंपनी का यूएस ऑफिस में जाएंगे, या फिर हम यूके ऑफिस में जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में जाएंगे, हम जर्मनी ऑफिस में जाएंगे, तो आप इजीली जा सकते हो, जो कि पीएसयू में पॉसिबल नहीं. पीएसयू सारे पीएसयू इंडिया के अंदर है. आप चाहते हो तो आप ब्रांच स्विच कर सकते हो. शायद आप दिल्ली में हो, आप मुंबई आ सकते हो, आप कोलकाता जा सकते हो. तो आपको ऐसे स्विच करना है तो आप इंडिया के अंदर करना है. बट जो लोग पीएसयू में ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए भी एक रिकमेंडेशन है कि आप अगर एमटेक करना चाहते हो तो पीएसयू में आप 1-2 साल काम करो. जो थर्ड ईयर होता है उसमें आप यहाँ पे आईआईटी या फिर आईएससी में आके इंटरव्यू दो एंड आप अप्लाई करो. आपको जो गेट स्कोर, क्योंकि गेट स्कोर 3 साल वैलिड होते हैं, तो इसलिए आपको जो पुराना गेट स्कोर है उसी से ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो कि पीएसयू में नहीं होगा. पीएसयू में अगर आप इस साल की गेट स्कोर है तो इसी साल में आपको एडमिशन लेना होगा. तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन होता है. आप 1-2 साल कम करो, वापस आ जाओ. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई थिंक यू शुड कंसिडर, यू शुड कीप इन योर माइंड. बट डोंट थिंक ऑल अबाउट दिस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने, पहले आपको एक अच्छी गेट रैंक लाना है, एक अच्छी गेट स्कोर लाना है, उसके बाद ही आपको एक आईआईटी मिल सकता है या फिर आपको एक पीएसयू मिल सकता है. सो आई होप आपको अगर अच्छी एक गेट रैंक आ जाए तो ये सब चीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगे. अगर आपकी गेट रैंक अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ आपके पास कोई मतलब ही नहीं होगा. तो प्रिपेयर हार्ड, डोंट वेस्ट टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्जाम. तो बस आज की वीडियो इतना ही. वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना डेफिनेटली, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.